चलिए जल्दी चलिए भाई लोग, बहुत ठंड लग रही है यहाँ पर, -20 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। अभी अपन करीब 6000 फीट की ऊंचाई पे है भाई साहब, काफी अच्छा लग रहा है। जय हिंद सर जी। बिल्कुल नहीं ना आए हैं सो मन चटर पटर कर रहा है। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं चंद्रकांत, स्वागत करता हूं आप सभी के एक और नए एपिसोड में। आज अपन है अरुणाचल प्रदेश के किसी खूबसूरत वैली में, और यहां से अपन निकलने वाले तवांग के लिए। तवांग यहां से करीब 250 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, और हमारा जो कबीला है ना जग गया है। कबीला इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हम लोग कबीलों वाली अभी जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कैंपिंग ही करें, क्योंकि भाई कैंपिंग में जो मजा है ना वो होटल में कहा। और यहाँ पे हमारा जो खाना है ना रेडी हो गया है। खाने में हमने बनाया है, इसमें चावल है और इसमें सब्जी है। भाई होता है क्या बताऊँ, घर से बाहर हूँ ना तो चावल सब्जी भी नसीब हो जाए, अपना हाथ से बना हुआ तो बहुत है ना विद्या भाई। जी बिल्कुल। और यहाँ पे भाई सारा का सारा टेंट यहाँ पे लगा हुआ है, जल्दी से अपन टेंट को क्लोज करते हैं और निकलते हैं भाई अपने डेस्टिनेशन को। भाई यहाँ पे अपन 2 दिनों से रुके हुए हैं और अब यहाँ पे रुकने का मन नहीं कर रहा है। अब चलते हैं अपन बर्फ वाले इलाके में जहाँ पे काफी अधिक स्नो गिरा हुआ है। जैसे ही थोड़ा दूर आगे जाएंगे 100 किलोमीटर तो वहाँ पे काफी अधिक बर्फबारी हुआ है, जैसे अपन चल रहे हैं तवांग की ओर। दोस्तों अभी इस जगह को छोड़ने का समय आ गया है और इस जगह पे अपन कैंपिंग किए, 2 दिन स्टे किए, काफी बढ़िया लगा और हम लोग जा रहे हैं। बाय बाय। हम लोग अभी तवांग जा रहे हैं और अभी 1.5 महीना लगेगा नॉर्थ ईस्ट कम्प्लीट करने में। हाँ तो कपड़ा भी अच्छा से लेके जा रहे हैं हम लोग, बहुत ठंडा है ना। तवांग में भी मिलेगा अपना रुका पूरा मिलेगा। अच्छा आप कहाँ से हैं? यूपी से हैं। हाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग बिहार के भी हैं, यूपी के भी हैं। दोस्तों कलकतांग के लोग बहुत ही अच्छे हैं। यदि आप में से कोई हमें कलकतांग से देख रहे हैं तो भाई बाय बाय। आप लोगों को अपन जा रहे हैं यहाँ से, और ये वो प्लेस है भाई, आप देख सकते हो यहाँ से कैसा दिखता है। ये वो प्लेस है जहाँ पे अपन 2 नाइट स्टे किए थे, कैंपिंग किए थे, काफी मजा आया, बहुत ही अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस हम लोगों को मिला यहाँ से। एंड यहाँ पे सारे लोग भाई हम लोगों को देख रहे हैं, बिकॉज हम लोग राइडर टाइप का लगते भी है ना। भाई ये भाई जो दिख रहे हैं आप, इनका दुकान है ये हमारे मधुबनी जिले के हैं, बिहार से यहाँ पे रह रहे हैं, अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं। भाई काफी बढ़िया लगा भाई से मिलके। और भाई बिहारी जो है ना, अपने बिहार के लोग आपको सभी जगह पे मिल जाएगा। हम सुदूर देहात में उधर नेपाल के अंदर पहाड़ों में गए थे, हिमालय के अंदर, वहाँ भी हमारे बिहार के नहीं हमारे घर के बगल के मिल गए थे। ऑल राइट अपन भाई हाईवे पे आ गए हैं और ये हाईवे हमें ले जाएंगे भाई तवांग। तवांग यहाँ से 260 किलोमीटर के आसपास है, मैं अभी गूगल मैप पे देखा था। भाई यहाँ पे जो है ना बौद्धिस्ट कल्चर काफी अधिक है, बौद्ध धर्म को मानने वाले यहाँ पे काफी लोग है। अपन बोमडीला को आज क्रॉस करने वाले हैं। भाई साहब क्या यहाँ पे फ्लैग टांगा है भाई, मस्त, बहुत ही खूब, बुद्धम शरणम गच्छामि। भाई लोकेशन देख लीजिए आप लोग, मस्त वाला लोकेशन पर रुके हैं चाय पीने के लिए। बादल भाई नीचे आने वाला है और 1.5 घंटे राइड करने के बाद फाइनली अपन यहाँ पे पहुंच गए हैं चाय पीने के लिए। भाई यहाँ पे आके जो है ना मुझे काफी अच्छा लग रहा है, बिकॉज भाई अभी अपन इंडिया के अंदर है। यहाँ पे देखो पहाड़ी डॉग, और अभी हम लोग जिस जगह पे रुके उसका नाम है होटल फॉर यू। जल्दी से यहाँ पे चाय पीते हैं और निकलते हैं आगे, बिकॉज भाई मौसम खराब होने वाला है, और जैसे मौसम खराब हो जाएगा ना तो हम राइड नहीं कर पाएंगे, कहीं पे स्टे करना पड़ेगा। जैसे भाई जल्दी से अपन चाय पीते हैं। दोस्तों यहाँ पे अपन चाय पी लिए हैं और गर्म पानी भी ले लिया है अपने थर्मस के अंदर। यहाँ पे ये जो भाई है ना इन्हीं का शॉप है, इन्होंने मुझे काफी हेल्प किया। यहाँ पे मैं ठंडा पानी रख रहा था अपने बोतल के अंदर, बट भाई बोले कि गर्म पानी रख लो, बिकॉज भाई आगे जाके सेला पास भी है और बोमडीला भी है, तो वहाँ पे ना काफी ठंडा पड़ने वाला है। वैसे अब यहाँ भी बहुत ठंडा है और यहाँ का होटल फॉर यू कम लॉन्चिंग दे देता है, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट बोमडीला है और जो ये शॉप है वो कमलांचन, मतलब नाम कमलांचन होटल फॉर यू। तो भाई यदि आप लोग इस होके जाते हो ना तो यहाँ पे जरूर रुकना भाई होटल फॉर यू में। यहाँ पे काफी बढ़िया चाय भी भाई ने पिलाया, खाना सब कुछ मिलता है यहाँ पे, खाना वगैरह। भाई से मिलके अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, थैंक यू सर। भाई साहब यहाँ पे टमाटर की खेती ना काफी जोरों से होती है। देखो यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हो ना मचान टाइप का छोटा छोटा, वहाँ पे टमाटर रोपा जाएगा और टमाटर मचान के ऊपर फटता है। यहाँ पे लत्ती टाइप लत्ती होता है यहाँ पे टमाटर का। और भाई जब असम के अंदर जो है ना टमाटर की कमी होती है तो अरुणाचल प्रदेश से टमाटर जाती है वहाँ पे और महंगा बिकती है। खेती अपने यहाँ जो है ना काफी बढ़िया होता है। मैं पहाड़ में बहुत घुमा हूँ नेपाल के अंदर, बट जो वाइब्स हमारे इंडिया में है ना, जो जैसा पहाड़ जैसे लोग हमारे इंडिया में ना वैसे नेपाल में नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पे खेती की जाती है ना बड़े पैमाने पे पहाड़ों के अंदर, वैसा हमें नेपाल के अंदर पहाड़ों में नहीं देखने को मिलता है हमें। इसीलिए कहते हैं भाई ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। ये क्या है भैया, यहाँ पे ऑटोमेटिक घंटी बज रही है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हमेशा घूमते रहता है, बिकॉज पानी जो है ना पंखे को नचा रहा है नीचे और ये इसको नचा रहा है।
भाई बादल काफी नीचे आ गए हैं, अपन बादलों के अंदर ड्राइव कर रहे हैं और आप इधर पहाड़ जो देख रहे हो, नीला नीला आसमान जो देख रहे हो आप, काफी बढ़िया लग रहा है देखने में। सुकून मिलता है भाई हमें इस इन पहाड़ों से, इन नीले आसमान के कलर से और इन वादियों से, इन पहाड़ों से मुझे ना काफी बढ़िया लगता है, बढ़िया फीलिंग आता है। और मुझे लगता है ना कि मैं जिंदगी में जब तक जिंदा हूँ इन पहाड़ों में आता रहूंगा और लाइफ को भाई इंजॉय करता रहूंगा। बिकॉज भाई देखिए अल्टीमेटली क्या होता है ना, लाइफ में सभी लोग जो कुछ भी करते हैं अल्टीमेटली उसका जो गोल होता है ना वो खुशी होता है, और हमें भाई खुशी मिलती है इन पहाड़ों में। ये इश्क है क्या एक रोग बुरा, ना भूखे लगे ना प्यासे लगे। भाई सब नजारे हमें काफी अच्छे अच्छे मिलने लगे हैं। और यहाँ पे देखो कोई स्तूपा है बौद्ध धर्म का, भाई प्रॉडली कह सकते हैं कि जो बुद्ध भगवान है ना वो हमारे बिहार के बौद्ध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसके लिए हमें गर्व है अपने बिहार पे और बिहारी होने पे। जय बिहार। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो। भाई साहब इतने दुर्गम इलाके में भी इतना अच्छा सड़क बना दिया है बीआरओ वालों ने, काफी अच्छा लग रहा है हमें। और भाई थैंक्स कहना चाहेंगे अपन नितिन गडकरी साहब को जिन्होंने इतना बढ़िया सड़क यहाँ पे बनाया है इतने सुदूर इलाकों में जहाँ पे भाई सरवाइव करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। मजा आ गया। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, सैल्यूट टू इंडियन गवर्नमेंट एंड प्राउड टू बी इंडियन। भाई साहब टेम्परेचर लगता है मुझे माइनस में चला गया होगा, बिकॉज भाई यहाँ पे ठंडा ना काफी जोरों से लग रहा है, माइनस में नहीं तो इवन एक के आसपास होगा, क्योंकि भाई ठंडा से मैं फील हो पा रहा है कि ठंडा यहाँ पे कितना है, टेम्परेचर कितना होगा। और मुझे लगता है कि मुझे ना जैकेट अंदर पे पहनना पड़ेगा, राइडिंग जैकेट के अंदर, क्योंकि राइडिंग जैकेट आपको पता ही है बिल्कुल ही ठंडा नहीं बर्दाश्त करता है, और इनर मैंने पहना नहीं है अभी तक। जल्दी से यहाँ पे कहीं रुक के और जैकेट पहन लेते हैं। भाई बहुत ठंड है भाई, ऐसे ऐसे लग रहा है अंदर में, कपकपी है कपकपी। भाई साहब इधर पेड़ के पत्तों भी कलरफुल है, कलरफुल आप देख रहे हो ना, हरा पीला लाल नीला सब टाइप का यहाँ पे हमें दिख रहा है पेड़ के पत्ते। पता नहीं क्यों, मे भी हो सकता है यहाँ का क्लाइमेट ही उस टाइप का हो कि इस टाइप के पेड़ ही यहाँ पे उग पाते हो, सरवाइव कर पाते हो, लेकिन भाई मजा बहुत आ रहा है। दोस्तों इस वाले ब्रिज को देख करके अपन यहाँ पे रुक गए, और यहाँ पे देखो कितना अधिक फ्लैग टांगा हुआ है भाई, काफी बढ़िया लग रहा है। वाह वंडरफुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे, मजा आ गया भाई। भाई यहाँ पे मैं रुका हुआ एक ब्रिज पे, जहाँ किया देखो यहाँ पर जो है ना बहुत सारे फ्लैग लगा हुआ है भाई, काफी अच्छा लग रहा है देखने में मुझे यहाँ पे। और जैसे मैं पहाड़ों में आता हूँ ना यहाँ पे देखता हूँ कि प्रेयर फ्लैग बहुत सारा लगा होता है, तो मेरा जो दिल अंदर से खुश हो जाता है और मैं एनर्जी से भर जाता हूँ, जोश जुनून से भर जाता हूँ। वैसे यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम है, करीब 1-2 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितना अधिक हवा चल रहा है, हवा जो चल रहा है ना भाई तो इस टेम्परेचर को ना और नीचे गिरा दे रहा है। बट भाई अपने अंदर इतना जोश जुनून भरा हुआ है, आपके भाई के अंदर इतना जोश जुनून भरा हुआ है ना कि भाई अपन यहाँ भी हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और हमारा जो एक्सपल्स है भाई प्यारा सा चेतक यहाँ पे लगा हुआ है, इसका जो नंबर प्लेट है ना टूटने को है, इसीलिए अपन यहाँ पे टेप लगा दिए हैं। और जब अपन घर जाएंगे या किसी ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ पे इसे चेंज करवा सकते हैं तो वो अपन चेंज करवा देंगे, अच्छा लगेगा। और भाई साहब क्या बात है यार, यहाँ से तवांग है करीब 200 किलोमीटर, और भाई साहब मुझे लगता है कि आज अपन तवांग नहीं पहुंच पाएंगे। और भाई साहब मुझे लगता है ना कि इन चीजों को अपन मिस कर रहे थे, अपने इंडिया में ऐसी ऐसी खूबसूरत जगह है, दैट्स व्हाई आपका भाई आ गया अब ऑल इंडिया राइड करने के लिए। तो आप इस वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, बिकॉज भाई आपका भाई काफी मेहनत कर रहा है और काफी मेहनत करने वाला है आगे भी, और आपको ऐसे ही अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करने वाला है, आपको एंटरटेन करने वाला है, आपको दुनिया दिखाने वाला है। तो भाई मजा आ रहा है। दोस्तों यहाँ से रूपा 10 किलोमीटर है, टेंगा 18 किलोमीटर एंड तवांग भाई 208 किलोमीटर यहाँ से हो जाता है। और हमारे जितने भी भाई लोग हैं सारे के सारे पीछे रह गए, मैंने अभी उनका लोकेशन चेक किया तो वो करीब 15 किलोमीटर पीछे हमसे रह गए हैं। एंड अपना जो चेतक है ना भाई काफी अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत अभी तक हमें नहीं आई है इस राइड में, ऑल इंडिया राइड में। लेकिन भाई ठंड बहुत बढ़ गया है, सच में ठंड से हालत खराब है। अब चलते हैं यार, यहाँ पे रोड साइड में कोई ऐसा दुकान दिखा नहीं हमें जहाँ पे अपन चाय पी सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सारा का सारा दुकान बंद था। ठंडा है ना भाई, यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ही कम है, इसलिए कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं था,
सारा का सारा यहाँ पे दुकान है बंद था। दोस्तों अभी अपन जिगांव में है और जिगांव का जो हाइट है भाई वो है 5988 यानी कि अभी अपन करीब 6000 फीट की ऊंचाई पे है। यहाँ पे देखो भाई यही वो गांव है जिसे अपन जिगांव कहते हैं। ऊपर में यहाँ पे बुद्ध भगवान का बहुत बड़ा स्टैचू दिख रहा है बट आपको गोपुर में दिखेगा नहीं। और भाई अपना चेतक यहाँ पे लगा है, अच्छा लग रहा है। इधर भी छोटा सा गांव है, जिगांव का ही पार्ट है अभी। और भाई सबको बुलाता हूँ यहाँ पे एक फोटो खींचने के लिए भाई, क्योंकि भाई ये यादें है ना, यादें ही हमारे साथ रहने वाली है, बाकी कुछ नहीं रहने वाला है। दोस्तों जैसे अपन जी गांव से आगे आए थे कि यहाँ पे कुछ भाई लोग मिल गए हमें यहाँ पे फोटोग्राफी करते हुए, और सारे के सारे भाई लोग आसाम से है और जा रहे हैं तवांग। तो यहाँ पे हम लोग डिसाइड किए हैं कि सभी लोग तवांग साथ में जाएंगे भाई और काफी मजे करेंगे। हेलो हेलो, नमे नमे शामिम, मंगलेश है हम लोग। हाय बबलू, मैं मंगलदेश। हे ईशानशो लोरी फ्रॉम मंगलदेश। साहिदुल फ्रॉम मंगलदेश। और हम लोगों ने यहाँ पे नंबर भी एक्सचेंज कर लिया है। आने वाले कुछ दिनों में अपन जो है ना साथ में ट्रेवल करने वाले हैं। इसके बाद जो है ना हम लोग फॉरएवर फ्रेंड भी बनने वाले, बिकॉज भाई अपन जब भी आसाम आएंगे भाई लोगों से मिलके जाएंगे और काफी मजा आने वाला है। ठीक है भाई लोग निकलिए। तो ये भाई लोग मिले थे यहाँ पे, काफी अच्छे अच्छे भाई लोग मिले थे और भाई सब लोगों ने हमारे साथ सेल्फी लिया। वाह नाइस, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था हमें। और यहाँ पे भाई लोग भी जा रहे हैं तवांग और साथ में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं अगले 4-5 दिनों तक। नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेहतरीन। और इन्हीं नज़ारों के साथ अपन पहुँचने वाले हैं बोमडिला। बोमडिला यहाँ से करीब 15 किलोमीटर के आसपास है और 15 किलोमीटर पर हम पहुँच जाएंगे एक घंटे के आसपास में, बिकॉज भाई यहाँ पे ठंड जोरों का हो गया है और हो सकता है हम लोग बोमडिला में ही आज। हर हर महादेव, पार्वती पते हर हर महादेव। भाई क्या लैंड स्लाइडिंग हुआ यहाँ पे, देखो जितने भी पत्थर यहाँ पे है, मिट्टी है, सारे के सारे वाइट है, वाइट। ये देखो इधर जो है ना लैंड स्लाइडिंग हो सकता है, बड़े बड़े पत्थर गिर सकते हैं, जिसलिए अपन जल्दी से यहाँ से निकलते हैं आगे। ऊपर में जाल लगा हुआ है, हमें उधर जाना है, वहाँ से आगे भाई देखना पड़ेगा, आगे देखना पड़ेगा, आगे देखना पड़ेगा। भाई साहब काफ़ी अच्छा लग रहा है। जय हिंद सर। वाह अपना भाई इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भारत की जो भारतीय सेना है ना वो वहाँ वहाँ रहती है जहाँ कोई नहीं रह सकता, और इन सुदूर इलाकों में भारतीय सेना अपना सर्विस दे रही है हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए, इसलिए एक सैल्यूट तो बनता है भाई इंडियन आर्मी के लिए। दोस्तों अभी अपन बोमडिला में है, बोमडिला सिटी यहाँ से 6 किलोमीटर इधर चले जाएगी और आगे भाई यहाँ से दिरांग है 47 किलोमीटर। और हमारे जितने भी दोस्त लोग हैं ना सारे लोगों का प्लान है कि दिरांग में अपन रुकेंगे, तो अपन चलते हैं जल्दी से, बिकॉज भाई शाम होने वाली है और ठंड काफी जोरों का लग रहा है हमें, तो लेट्स गो टू दिरांग। दोस्तों अभी अपन ऐसे लोकेशन पर रुके हुए हैं जहाँ से भाई पूरा का पूरा बोमडिला सिटी दिख पीछे तरफ, और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है तीन छोटे छोटे पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे हम फोटो वीडियो ले सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। ये है भाई यहाँ पे आई लव बोमडिला का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और यहाँ से भाई पूरा का पूरा बोमडिला सिटी दिखता है। ये देखो, दिस इज द सिटी ऑफ बोमडिला। एंड भाई साहब हमने भी यहाँ पे अच्छा अच्छा रील बनाया है और फोटोज लिया है। सामने में यहाँ पे लगा हुआ है वी लव अरुणाचल, वी लव बोमडिला एंड ऑल्सो वी लव ऑल लव इंडिया। वाह चलिए भाई जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। चलिए जल्दी जल्दी भाई लोग, बहुत ठंड लग रही है यहाँ पर, -20 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। और जो है ना भाई माइनस में भी नहीं हुआ है, बट अभी देखना पड़ेगा हमें कि माइनस में है कि नहीं। गोपाल भाई यू आर एक्साइटेड? बहुत ज्यादा, लेकिन ठंड बहुत लग रहा है। जल्दी से कान ढक लीजिए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे। भाई अपना चेतक यहाँ पे आराम कर रहा है और जल्दी से अपन चलते हैं भाई, कैसे भी करके आज रात तक यानी कि 2-3 घंटे के अंदर में हमें दिरांग पहुँचना ही पड़ेगा। भाई साहब बहुत ठंड है यहाँ पे। भाई यहाँ पे हमें एक अच्छा जगह मिला है, खूबसूरत लग रहा है देखने में, और गाड़ी अपना वहाँ लगा हुआ है, वहाँ छोटा सा सेटिंग दिख रहे हैं, वहाँ पे अपन कैंपिंग कर सकते हैं, इधर भी कैंपिंग कर सकते हैं। इसलिए अपन यहाँ पे जा रहे हैं गाँव वालों से पूछने के लिए कि भाई पानी आप लोग कहाँ से पीते हो, पानी की व्यवस्था अगर हो जाएगा यहाँ पे तो फिर हम लोग कैंपिंग कर लेंगे यहीं पे। वाह खूबसूरत सा गाँव है यहाँ पे। कोई है क्या भैया, कोई है क्या, है ना बाहर? वाह क्या नज़ारा दिख रहा है हमें यहाँ से, मस्त वाला।
दोस्तों यहाँ पे रुकने का प्लान हम लोग का कैंसिल हो गया, अपन चलते हैं आगे, सारे भाई लोग आगे निकल गए हैं और जल्दी से भाई एक सेफ लोकेशन ढूंढते हैं कैंपिंग करने के लिए, बिकॉज भाई ठंड बहुत जोरों का बढ़ गया है। दोस्तों अपने बादलों के बीच में आ गए हैं, ये देखो जितने भी आप देख रहे हैं ना धुआं धुआं, ये भाई फॉग नहीं है, ये है बादल। और अपना जो गोपुरों का बैटरी के भाई बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रही है, पता नहीं क्यों। अच्छा यहाँ जो है ना टेम्परेचर बहुत ही कम है, इसीलिए टेम्परेचर करीब समझिए ना 2-3 के आसपास पहुँच गया है। दोस्तों अपन धीरांग पहुंच गए हैं, सामने जो आप राइट साइड में खूबसूरत सिटी देख रहे हो नीचे में ना, वो है भाई धीरांग सिटी, धीरांग सिटी। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं भाई धीरांग के अंदर, और धीरांग में जो है ना यहाँ पे स्टे किए हैं, स्टे नहीं किए अभी फिलहाल, अभी आग सेक रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं भाई। ये जो आप जिनका घर देख रहे हो ना, ये हमारे एरिया के हैं, हमारे जयनगर के हैं, चौदह के रहने वाले। और भाई जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ वहाँ अपने एरिया का अपने घर के लोग मिल रहे, तो काफी अच्छा लग रहा है मिलके यहाँ यहाँ पे इन लोगों से। इनका नाम है छेदी पंडित जी और इनका घर चौदह है। बाबू तुम्हारा क्या नाम है? अनिल। कैसे नाम है? जय श्री ने घर है जय श्री ने कल ना आए के बोले ना आपको कि भाई हमारे एरिया के रहने वाले मधुबनी के जयनगर के रहने वाले, तो भाई मैथिली तो जानेंगे। और धीरांग में यहाँ पे अपन रूम ले लिए हैं भाई, ये एक बेड है जिसपे दो आदमी सोएंगे, और ये बेड जो दिख रहे हैं आप इस पे 3 आदमी सोएंगे। और बाकी क्या निकाल रहे हैं भाई? गजरा देख रहे हैं, गजेरी भी आ गया हमारे साथ। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो है ना आज के लिए वॉशरूम ये है, काफी क्लीन है, वहाँ पे गीजर भी लगा हुआ है, इसलिए आज हम लोग फाइनली 2 दिन के बाद नहाएंगे भाई गरम गरम पानी से, है ना गोपाल भाई? जी बिल्कुल, नहीं नहाए हैं सो मन चटर पटर कर रहा है। तो भाई यदि आप यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलता है एक नई वीडियो में अच्छे से ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए एज ऑलवेज राइड सेफ, ऑलवेज वियर हेलमेट। जय हिंद, वंदे मातरम।